आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स को सफल लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई दी, कहा यह आत्मनिर्भरता का है उदाहरण। कानपुर में परिवहन राज्य मंत्री पहुंचे केंद्रीय कार्यशाला, कार्यशाला में निर्मित बसों को दिखाई हरी झंडी। श्रावस्ती में आबकारी विभाग की टीम हुई अलर्ट, डीएम के निर्देश पर चलाया गया अभियान। प्रयागराज में दिव्यांगों के दीयों से सजेंगे घर, दीपावली में घरों को रोशन करने की तैयारी। रोहित शर्मा ने कहा विश्व कप में पाकिस्तान से मुकाबला चुनौतीपूर्ण, बल्लेबाजी में संतुलन की जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। कानपुर में केंद्रीय कार्यशाला और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में बस बॉडी निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम के अधिकारियों को धन्यवाद किया है। जानकारी के मुताबिक काफी समय से वहां पर काम बंद था, इसके साथ कार्यशाला में निर्मित बसों को हरी झंडी दिखाई। परिवहन राज्य मंत्री पहुंचे केंद्रीय कार्यशाला, जहां उन्होंने बसों को हरी झंडी दिखाई है। राजधानी लखनऊ में दिवाली के मौके पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कई इलाकों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने नाइट स्वीपिंग का भी जायजा लिया और निरीक्षण के दौरान कूड़े का ढेर मिलने पर नगर निगम को साफ सफाई के निर्देश देते हुए कहा। इकोग्रीन कंपनी को चेतावनी भी दी, जिसके बाद दिवाली पर निगम सफाई पर विशेष अभियान चलाएगा। प्रयागराज में दिवाली में इस बार मोमबत्तियां आकर्षण का केंद्र होंगी। बता दें लोग अपने घरों को चाइनीज लाइटों से घर रोशन होंगे। इस बार दिवाली पर दिव्यांग कलाकारों ने कई तरह की आकर्षक मोमबत्तियां बनाई है। समाज सेवक और शिक्षक श्री नारायण के सहयोग से दिव्यांग कलाकार स्टार क्रिसमस ट्री, हाथी, नाव, महाराजा दरबार, दीपक, पेंडल हॉट, सूरजमुखी और गुलाब सहित 15 तरह की मोमबत्ती बनाई है। दिव्यांग कलाकार प्रतिदिन 1300 मोमबत्तियां बना रहे हैं। ये कई वर्षों से विगत मोमबत्तियाँ बना रहे हैं और ये हमारे जो भी आप देख रहे होंगे दिव्यांग साथी 6, 7, 8 यही लोग मिलकर डेली बनाते हैं। और हम लोग जो है हर साल ये कोशिश करते हैं कि अपने देश की स्वदेशी बनी हुई मोमबत्तियाँ और दीपक से जो है हम लोग जो है दिवाली मनाएं। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आत्मनिर्भर बन के सभी लोग जो है अपना जीवन गुजर बसर करें, तो हम लोग उसी कड़ी में अपने दिव्यांग साथियों को थोड़ी सी कोशिश करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जो है काम करते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि अपने स्वदेश से बनी वस्तुओं का सब लोग जो है प्रयोग करें, चाहे मिठाई हो, चाहे झालर हो, चाहे जो है मोमबत्ती हो, चाहे दीपक हो, और जो है जो चीनी झालर है। श्रावस्ती में दीपावली के मद्देनजर डीएम के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक एसडीएम की अगुवाई शराब दुकानों की जांच की गई। इसके साथ ही भिंगा, इकोना व कंजड़वा में टीम ने बार कोड व स्टॉक का सत्यापन किया और अमरावा में भयापुरवा गांव में कच्ची शराब को लेकर दबिश दी। आबकारी टीम ने मौके से 17 लीटर कच्ची शराब बरामद की। श्रावस्ती में भिंगा कोतवाली वी बाजार के पास से एक युवक की गिरफ्तारी की गई। जानकारी के मुताबिक युवक अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और उसे अपना पत्नी को तलाक भी दे चुका है। बता दें कि युवक के विरुद्ध धारा 498, 494, 323, 504, 506 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट व 3/4 में दर्ज किया गया।
रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। अब्दुल माबूद खान उर्फ साहब प्रधान ग्राम पंचायत अमेठी ब्लॉक मितौली जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अनूप कुमार ग्राम पंचायत रोजगार सेवक ब्लॉक बेहजम जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अशोक त्रिपाठी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ब्लॉक मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अवध किशोर रोजगार सेवक ग्राम पंचायत भूपतिपुर ब्लॉक बेहजम जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रजेश शुक्ला युवा हिंदू वाहिनी जिला अध्यक्ष लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। फारूख प्रधान ग्राम पंचायत मुकरेटा ब्लॉक बेजम जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमंत लाल तिवारी थाना इंचार्ज संपूर्णा नगर जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कमलेश सिंह जेई ब्लॉक बेहजम जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नदीम खान प्रधान ग्राम पंचायत खड़गपुर बिलरिया ब्लॉक बेजम जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। पंकज वर्मा पूर्व जिला पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान पुत्र ग्राम पंचायत ठगिया बुजुर्ग ब्लॉक बेहजम जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। राजीव वर्मा पूर्व ब्लॉक प्रमुख मितौली भाजपा नेता जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। रमेश ग्राम पंचायत अधिकारी ब्लॉक बेहजम जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मंजीत ग्राम प्रधानपति ग्राम पंचायत हरैया ब्लॉक बेहजम जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। रामकिशोर प्रधान ग्राम पंचायत कोटरी ब्लॉक बेहजम जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। लेखराम वर्मा ग्राम प्रधान पंचायत बदरी ब्लॉक बेहजम जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। के बाद आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबर की ओर। कासगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वही दो अभियुक्तों को मौके से फरार भी हो गए। वही गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से अफीम और दो मोटरसाइकिल बरामद की गई, साथ ही अवैध तमंचा और दो मोबाइल भी बरामद किए गए। देखिए, थाना सहावर क्षेत्र अंतर्गत सहावर की टीम और हमारे एसओजी टीम ने बहुत ही बड़ी और अच्छी सफलता प्राप्त की है। इन्होंने दो अभियुक्त आकाश पुत्र राजाराम और संजय पुत्र भगवान दास, दोनों कासगंज के निवासी हैं, इनसे
बहुत बड़ी मात्रा में 6 किलो 100 ग्राम अफीम, 2 तमंचा मई, 6 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद की है। ये जो 6 किलो 100 ग्राम अफीम जो इन्होंने मतलब पकड़ा है, इसका अंतरजातीय मूल्य जो है करीब 2 करोड़ से ऊपर है। इतनी अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं और हमारे तरफ से इनको 25,000 इनाम घोषित करता हूं। लखनऊ के इंदिरा नगर में रिटायर्ड आईजी के घर में आग लग गई। वहीं आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद दम घुटने से रिटायर्ड आईजी की मौके पर मौत हो गई और उनकी पत्नी व बेटी की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि आग लगने की सूचना पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर हरदोई से है, जहां सीएसएन कॉलेज में दुकानदारों द्वारा पटाखों की दुकान लगाई जा रही। दुकानों का एसडीएम सदस्य स्वाति शुक्ला ने निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम शुक्ला ने दुकानदारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिन शर्तों के आधार पर अनुमति मिली है उन्हीं सभी शर्तों का पालन करते हुए सुरक्षा को देखते हुए सभी लोग अपनी दुकानें लगाएं और अनुमति समाप्त होने के बाद अपनी दुकानें हटा लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो अनुमति निरस्त करके कार्रवाई की जाएगी। उनको कहा जो परमिशन के रूल्स हैं वो सारे वो फॉलो करते रहें और उस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए अपना पटाखा सेल करें और जितनी भी दिन की परमिशन उसको फॉलो करें। बलिया में नरही थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर गोली चलने का मामला सामने आया है। वहीं गोली लगने से युवक घायल हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रामपाल प्रधान ग्राम पंचायत उमरपुर ब्लॉक बेजम जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। राम शंकर राज सदस्य जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख पति ब्लॉक बेजम जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। रवि तिवारी किसान नेता तहसील मितौली जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। रविकांत वर्मा वन दरोगा वन रेंज मैंगलगंज जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहन लाल मौर्य प्रधान ग्राम पंचायत रायपुर बुजुर्ग ब्लॉक बेजम जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। संदीप प्रधानपति ग्राम पंचायत मुड़िया ब्लॉक बेहजम जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय कुमार प्रधान ग्राम पंचायत सिरसा ब्लॉक बितौली जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनील कुमार सिंह चौकी इंचार्ज सिकंदराबाद थाना नीमगांव जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशील कुमार ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत बहादुरपुर ब्लॉक बेहजम जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।